कलर्स टीवी का नया शो उडारियां पिछले कई हफ्तों से लाइमलाइट में बना हुआ है। अब क्योंकि इन दिनों कई बड़े बड़े चैनल्स पर कई नए शोज या तो दस्तक देने वाले हैं या फिर ऑन एयर किए जा चुके हैं। ऐसे में उडारिया शो में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, आखिरी शो की कहानी दूसरे शो से कितनी अलग है और सबसे बड़ी बात कि शो में कौन कौन से स्टार्स नजर आएंगे, ये तमाम सवाल ऑडियंस के मन में बने हुए हैं। हालांकि शो का प्रोमो तो रिलीज किया जा चुका है जो काफी कमाल का भी है और शो को देखने की क्यूरियोसिटी भी काफी बढ़ा रहा है। लेकिन आखिर किन तीन बातों से ये शो धमाल मचाने में कामयाब हो सकता है और क्या क्या इस शो में खास है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस सुनते जाइए वो तीन बातें। पहली बात, इसकी अलग कहानी। यह शो की कहानी उम्मीद, प्यार और जुनून के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। कहानी पंजाब के एक सिंधु परिवार पर बेस्ड होगी जिनका सपना है कनाडा जाना, लेकिन नियति हमेशा उनके सपनों के आड़े आ जाती है। अब अपने परिवार के इसी सपने को पूरा करने का ख्वाब देख रही है उनकी बेटी जैस्मिन और तेजो। अब क्या तेजो और जैस्मिन अपने परिवार के सपने को पूरा करने में कामयाब होंगी और कैसे पहुंचेंगी पंजाब की मिट्टी से कनाडा तक, यही आपको इस शो में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेल लीड में है फ्रेश चेहरे। वह शो में जैस्मिन का किरदार निभा रही हैं ईशा मालविया, तो वहीं उनकी ऑन स्क्रीन बहन बनी है प्रियंका चौधरी जो की तेजो का किरदार निभा रही है और दोनों ही सेलिब्रिटीज का ये डेब्यू शो है। बात की जाए ईशा की तो वो जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ईशा फेमस टिकटॉक स्टार भी है। ईशा अपनी मॉडलिंग वीडियोस और डांसिंग वीडियोस से हर जगह धमाल मचा चुकी हैं। वही प्रियंका का भी ये डेब्यू शो है और वो इस शो का हिस्सा बनकर काफी खुश भी हैं। वहीं बात की जाए मेल एक्टर की तो एक्टर अंकित गुप्ता इस शो में नजर आएंगे। आपको बता दें कि अंकित बालिका वधू, बेगूसराय, साड्डा हक जैसे शोज में काम कर चुके हैं। देखा जाए तो आजकल शो में मेकर्स नए और फ्रेश फेसेस लेकर आ रहे हैं और न्यू फेसेस ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। हालांकि अब टीवी की ये दोनों हसीनाएं ईशा और प्रियंका अपनी एक्टिंग से कैसे लोगों के दिलों पर राज करेंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और तीसरी बात, पंजाबी बैकड्रॉप पर बेस्ड शो। वेल, देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री पर पंजाबी बैकड्रॉप पर बेस्ड शोज हमेशा ही काफी पसंद किए जाते रहे हैं। पंजाबी कल्चर, बोली और पंजाब के खूबसूरत पिंड और शहरों की लोकेशन से सजे शोज को हमेशा से ही ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। वेल, ऐसे शोज की बात की जाए तो इसमें बानी, गीत हुई सबसे पराई, छोटी सरदारनी, एक वीर की अरदास वीरा, कलीरे जैसे ढेरों ही शोज हैं। वहीं अब जब ये नया शो उडारियां अपनी नई और फ्रेश कहानी के साथ दस्तक दे रहा है तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये शो भी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अब बेशक इन दिनों कई नए नए शोज की लंबी कतारें लगी हों, लेकिन किसी भी शो के हिट होने के पीछे उसकी स्टार कास्ट और शो की कहानी का ही हाथ होता है। ऐसे में अब देखना तो ये है कि शो उडारियां लोगों के दिल को छू पाएगा या फिर नहीं। आप इस नए शो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।